नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन का हम लोग के जीवन में एक अलग ही महत्व एवं प्रभाव है, जिसकी चर्चा हमारे समाज में आज भी होती है, जिस परंपरा का पालन हमारे पूर्वज भी करते थे। तो आइए आज हम आगे जानते हैं कि शनिवार का दिन हमारे जीवन में किस तरह महत्वपूर्ण है एवं इसके क्या प्रभाव हैं तथा इसके निदान के क्या क्या उपाय हैं जो हमें इसके कुप्रभाव से बचने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, हम सभी व्यक्ति के जीवन में समस्त ग्रहों का प्रभाव कुंडली के बाहर भावों में उनकी स्थिति एवं दशा तथा अंतरदशा के अनुसार आता है। इनमें से केवल शनि को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर व्यक्ति किसी ग्रह के प्रभाव से अधिक भयभीत अथवा आतंकित नहीं होता है। किसी की राशि में शनि का प्रवेश हो उससे पहले ही जातक पर उनकी दृष्टि का प्रभाव आने लगता है। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि शनि एवं क्रूर ग्रह है जो अधिकांशतः कष्टकारक कष्ट देता है। शनि से आम व्यक्ति इसलिए भी भयभीत रहते हैं कि एक राशि में सर्वाधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है। जातक पर 7.5 वर्ष तक 7.5 का प्रभाव बना रहता है। इसके बाद ढैया का फल, इसके बाद कुंडली में अगर शनि की स्थिति आदि सब कुछ मिलाकर जातक को शनि देव सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, ऐसा लोगों का सोचना है, ऐसे लोगों का मानना है। शनि का जातकों पर इतना अधिक प्रभाव देखा जाता है कि वह शनि की दृष्टि से बचने के लिए अनेक उपाय करते रहते हैं। इसमें एक उपाय अत्यंत ही विख्यात है, वह उपाय है प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना। आप बहुत सारे मंदिरों में देखे होंगे, भावना यही रहती है कि इससे शनिदेव के कोप का प्रभाव से हम बच सकते हैं। किंतु अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते कि शनिवार को शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है और इससे क्या लाभ प्राप्त होगा। शनि देव की अभिमान के मान मर्दन की एक कथा है। शनि देव जानते थे कि सभी उनसे बहुत अधिक भयभीत रहते हैं, देवगण भी उनसे भय खाते हैं, उनके दृष्टि मिलाने का साहस किसी में नहीं होता था। जिस जातक की राशि पर वे आ जाते, भय के मारे उसका बुरा हाल हो जाता। जिस समय की यह कथा है उस समय हनुमान जी अत्यंत वृद्ध हो गए थे। वह प्रतिदिन राम सेतु के समीप समुद्र के किनारे चट्टानों के मध्य में बैठ जाते। उस समय वे श्री राम का नाम जपते थे और इन्हीं में वो खोए हुए रहते थे। एक दिन वे इसी प्रकार एक चट्टान पर पीठ टकाए शांत चित्त में बैठे श्री राम के विचारों में खोए हुए थे। तभी वहां घूमते हुए शनिदेव आ गए। उन्होंने देखा कि उनके आने की आहट सुनने के बाद भी इस बानर ने, इस जीव ने उनकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से शांत एवं निश्चल मन करके बैठा हुआ था। एक वानर को इस प्रकार निडर देखकर शनि को क्रोध आ गया। एकदम से वृद्ध हनुमान के ठीक सामने आ गए। उनका विशाल काला शरीर और चेहरे के क्रूर भाव उनको और अधिक भयानक बना रहे थे। शनि को अपनी शक्ति और प्रभाव का बहुत घमंड था, इसलिए उन्होंने अशिष्टता से हनुमान जी से कहा, अरे वानर, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। हनुमान जी ने शांति के साथ उत्तर दिया, मैं श्री राम का सेवक और दास हनुमान हूँ और इस समय अपने प्रभु की राम के ध्यान में खोया हुआ हूँ, और आप कौन हो। इस पर शनि ने अशिष्टता पूर्वक कहा कि मैं इसी समय तेरे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, अतः उठ और मेरे साथ युद्ध कर। मैं सूर्य का परम प्रतापी और तेजस्वी पुत्र शनि हूँ। मेरे आने की आहट सुनने मात्र से अच्छे अच्छे योद्धा मेरे आगे हट से हट जाते हैं, किंतु तूने मेरा अनादर किया। मेरे आने की आहट सुनने के बाद भी ना तो तुमने मेरे से डरा और ना ही मेरे लिए रास्ता छोड़ा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया कि आप वास्तव में महान प्रतापी हैं, मैं इस समय वृद्ध हो गया हूँ। मैं अपने प्रभु श्री राम की अतिरिक्त अन्य
किसी भी विषय में विचार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करें, आप यहाँ से चले जाएं और मेरे ध्यान में व्यर्थ का व्यवधान नहीं डालें। हनुमान जी की विनयशीलता को शनि ने उनकी कमजोरी समझ बैठे, इसलिए और अधिक गर्व के साथ बोले कि मैं यहाँ से जाता हूँ वहाँ से ऐसे ही नहीं लौटता, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बिना कुछ किए नहीं लौटता, अपने आने का प्रभाव मैं वहाँ अवश्य छोड़ कर आता हूँ, अब मैं आ गया हूँ तो यहाँ से भी ऐसे ही जाने वाला नहीं हूँ, अब व्यर्थ की बातें ना कर और उठकर मेरे साथ युद्ध कर। शनि की उदंडता कम ही नहीं हो रही थी, इतना कहने के पश्चात शनि ने अभद्र और अपमानजनक रूप से हनुमान जी का हाथ पकड़कर खड़ा करने का प्रयास किया। उसी समय हनुमान जी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मन ही मन विचार किया कि यह ऐसे नहीं मानेगा, कुछ तो करना ही होगा। तभी उन्होंने अपनी मूछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिए। शनि कुछ समझ सकते इससे पहले ही हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में इतना कस लिया कि वह हिल भी नहीं पा रहे थे। उसी समय उन्हें ज्ञात हो गया कि हनुमान जी की शक्ति की आगे उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। वह पूंछ की पकड़ से छटपटाने लगे, वह गिर गिराते हुए छोड़ने की पुकार करने लगे, उन्हें लगा कि उनके प्राण ही निकल जाएंगे। हनुमान जी ने उनकी बात को सुना, फिर मुस्कुराते हुए बोले कि राम सेतु की परिक्रमा करने का मेरा समय हो गया है, आइए आपको भी राम सेतु की परिक्रमा करवा दूं। इसके बाद वे तेजी से सेतु पर चलने लगे, उनकी विशाल कुछ वह पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों एवं चट्टानों से टकराने लगी, उसमें लिपटे हुए शनि भी पत्थरों से टकरा रहे थे और चीख रहे थे। हनुमान जी उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी पूंछ कभी कभी जोर से पटक रहे थे। तब राम सेतु का एक चक्कर पूरा हो गया, जो हनुमान जी रुक गए, पूंछ में बंधे शनि की तरफ देखा, पत्थर एवं वृक्षों से टकराने के कारण उनके शरीर में चोट लगने के कारण रक्त से लाल हो रहा था, पीड़ा से वह बहुत अधिक कराह रहे थे और कह रहे थे, मैंने आपके साथ जितनी उदंडता की उसके फल मुझे प्राप्त हो गए हैं, अब मुझे छोड़ दें, मुझे क्षमा कर दें। तो हनुमान जी ने कहा, छोड़ तो मैं तुम्हें दूंगा, किंतु पहले तुम्हें वचन देना होगा कि मेरे किसी भी भक्तों की राशि पर तुम नहीं आओगे, अगर आओगे भी तो उसे अपनी क्रूरता नहीं दिखाओगे, उसे व्यर्थ परेशान नहीं करोगे, अगर वचन देने के बाद भी तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा, इतना समझ लो। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी आपके भक्तों की राशि पर नहीं आऊँगा, अगर गोचर वश आना पड़ा तो भी मैं अपनी पीड़ा से उन्हें मुक्त रखूंगा, आप मेरे वचन का विश्वास कर सकते हैं, कृपया अब मुझे मुक्त कर दें। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ का बंधन ढीला किया और शनि को मुक्त कर दिया। शनि देव मुक्त तो हो गए थे, किंतु उनका शरीर चोटों से उत्पन्न पीड़ा से दर्द कर रहा था, इससे उनके व्याकुलता बढ़ने लगी थी। इस पीड़ा से मुक्त के लिए होने के लिए वे लोगों से तेल मांगने लगे, भयवश लोगों ने शनि को तेल देना प्रारंभ कर दिया। तब शनि ने उनका वचन दिया कि जिस जिस व्यक्ति ने मुझे तेल का दान दिया है उसे मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, आगे भी जो मेरे दिवस में शनिवार को मुझे तेल देगा उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस घटना के बाद शनिवार को लोगों ने शनि देव को तेल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और आज तक यह तेल चढ़ाने की जो सिस्टम है वो चलती आ रही है। जो मानव जीवन में कल्याणकारी होता है वह हमेशा ही जा करके अपने बचने के लिए तेल चढ़ाता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर में शनिवार को हम लोग तेल क्यों चढ़ाते हैं, शनि देव की क्या मान्यताएं हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको आज की प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी बताएं आखिर शनि को हम लोग तेल क्यों चढ़ाते हैं। लाइक करें, साथ ही साथ अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना हमें बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर कोई अगली प्रस्तुति के साथ, बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।